हेलो गाइस, क्या आप भी ऐसे ही आलू और पालक की सब्जी बनाना चाहते हैं? देखिए, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। यहाँ पे आलू जो है एकदम सॉफ्ट हो चुका है। ठंड में तो पालक और आलू की सब्जी खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ले लूँगी पालक। पालक को अच्छे से देख लेना है कि पालक में कोई कीड़े मकोड़े तो नहीं है, इसे अच्छे से साफ़ कर लेना है। और उसके बाद मैं इसे काट लूँगी। सबसे पहले मैं ऐसे काट लूँगी हाथ में लेके। आपको जैसे सुविधा हो वैसे काट सकते हो। अगर आपको ऐसे काटना ना आए तो इसे प्लेट में रख के भी काट सकते हो। बिल्कुल ऐसे पकड़ के प्लेट में काट सकते हो आप। इससे जो है बहुत ही आसानी से कट जाएगा पालक। तो यहाँ पे जो है हमारा पालक कट के रेडी हो गया है। अब मैं इसको अच्छे से धो लूँगी ठंडे पानी से। अब मैं ले लूँगी दो आलू। आलू को मैंने छील लिया है। अब मैं आलू को ऐसे काट लूँगी, बीच से पहले काट लूँगी, फिर इसको कट लगाते जाऊँगी। बिल्कुल ऐसे ही दोनों आलू को काट लेना है। ज़्यादा छोटे नहीं करने हैं आलू को, बिल्कुल इसी साइज़ में काटना है। तो यहाँ पे हमारा आलू कट चुका है। अब मैं ले लूँगी एक टमाटर, एक पूरा लहसुन और तीन प्याज। प्याज को जो है मैं ऐसे काट लूँगी, बिल्कुल बारीक करके काटना है। अब मैं टमाटर काट लूँगी। अब मैं लहसुन को इसमें कूट लूँगी। सबसे पहले मैं इसमें लहसुन डाल दूँगी। अब मैं इसको अच्छे से कूट लूँगी। अब इसको निकाल लूँगी मैं। ऐसे लहसुन को कूट के अगर सब्जी में डालते हैं तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब मैं ले लूँगी हरी मिर्च, इसको भी अच्छे से कूट लूँगी। अब ये हमारा चारों चीज़ें जो है तैयार हो गया है। अब मैं ले लूँगी एक कढ़ाई। कढ़ाई में डाल दूँगी सरसों का तेल। अब मैं डाल दूँगी चार लाल मिर्च, एक चम्मच जीरा। अब कटे हुए प्याज डाल दूंगी। इसको अच्छे से चला लेना है। 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी लहसुन। लहसुन डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लेना है। इसके बाद अब हमें डालना है कुटी हुई हरी मिर्च। अच्छे से मिला लीजिएगा। अब इसमें डाल दूंगी मैं टमाटर। टमाटर डालने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी नमक। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच नमक डाल
अब मैं डाल दूंगी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लेना है। ताकि सब कुछ अच्छे से मिल जाए। अब मैं इसमें डाल दूंगी आलू, इसे भी अच्छे से मिला लेना है हमें। आलू डालने के बाद इसे अच्छे से चला लेना है। इसके बाद 2 मिनट तक इसे ऐसे ही फ्राई करना है। मैं इसे चला के फ्राई करती रहूँगी ताकि नीचे चिपक ना जाए। अब मैं इसमें डाल दूंगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे सब्जी में कलर बहुत ही अच्छा आएगा, दिखने में भी एकदम बढ़िया लगेगा टेस्टी का। इसको ऐसे ही चला के फ्राई कर लेना है। अब मैं इसमें डाल दूंगी पालक। पालक डालने के बाद मैं इसे मिलाऊंगी नहीं, इसे ऐसे ढक के रख दूंगी। 10 मिनट के बाद मैं इसे खोल लूंगी, फिर इसे अच्छे से मिला दूंगी। इससे जो है पालक का स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। ऐसे ही ट्राई करके देखिए आप भी। अब मैं इसमें डाल दूंगी जीरा और धनिया पाउडर। इसे अच्छे से मिला लेना है। 2 मिनट तक ऐसे ही फ्राई कर लेना है ताकि पालक से जो पानी निकला है वो थोड़ा सूख जाए। एकदम नहीं सिखाना है हमें, थोड़ा थोड़ा। अब देखिए पालक से जो है तेल निकलना शुरू हो गया। अब जो है हमारा पालक एकदम तैयार है, रेडी। देखिए सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा है, खाने में भी मुंह में पानी आ रहा है।